नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम को। लगातार अनंत सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रशासन उन्हें फंसा रही है, सरकार उन्हें फंसा रही है। नीतीश कुमार से मिलने का समय उन्होंने मांगा लेकिन समय नहीं मिला। इस वक्त हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल जी हैं। सर, लगातार अनंत सिंह आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उन्हें फंसा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ हम कहते नहीं हैं कि ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, ये वास्तविकता है कि अगर जो कोई गलत करेगा वो कानून के दायरे में अगर गलत है तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। और वही अनंत सिंह प्रकरण जो हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार चल रहा है, तो उन्होंने जो किया है वो कोई मौखिक रूप से नहीं है, साक्ष्य और सबूत के साथ सारे कुछ वहाँ पकड़े गए। एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि जो भी छापेमारी हुई है वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत हुई है, सारा कुछ का वीडियो फुटेज है, तो सब कुछ मिला है। अब कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी। अब वो फंसते चले जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं आरोप लगाएंगे, तो उस तहत वो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। जबकि सामने नहीं आ रहे, कह रहे हैं कि आएंगे पटना, पत्रकारों से बात करेंगे और सरेंडर भी करेंगे। देखिए, वो सरेंडर करने, वो उनकी इच्छा, वो उस हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन ये तय है कि प्रशासन पुलिस लगी हुई है, जल्द से जल्द छापेमारी के तहत उनकी गिरफ्तारी मुझे लगता है कि लगभग तय है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो अनंत सिंह सोशल मीडिया पर वीडियोस दे रहे हैं, वायरल करा रहे हैं, ये तो पक्का है कि कहीं ना कहीं वो हैं और सब चीज़ देख रहे हैं। निश्चित रूप से भाई, इसी धरती पे हैं तो सब कुछ देखेंगे ही ना, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन हाँ, अगर वो लगातार डाल रहे हैं और उनको लग रहा है कि पुलिस की नज़र से बच जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी गलतफहमी है जो मुझे लगता है जल्द से जल्द। जदयू के दो नेताओं के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, नीरज कुमार के ऊपर, ललन सिंह के ऊपर, कि इन दोनों की ही साजिश है क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा था, ये गलती कर दी। चुनाव कोई आज से वो नहीं लड़ रहे हैं, वो पहले से चुनाव लड़ रहे हैं और वो विधायक भी हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यही लगती है कि एक जनप्रतिनिधि की जो छवि होनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में ये नज़र आ रहे हैं जो कि आपको AK-47 बम, हथियार, ढेर सारे चीज़ लेकर के अगर घर में रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। और मुझे लगता है कि जब आप फंस गए हैं तो किसी न किसी पे आप आरोप गढ़ेंगे, तो उसी के तहत ये राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। वरना हमारे पार्टी के किसी नेता का इस चीज़ से कोई लेना देना या अनंत सिंह से लेना देना अब नहीं है। एक आखिरी सवाल विपक्ष भी है, वो सवाल खड़े कर रहा है, वो कह रहा है कि जब जदयू में थे तो ठीक था, आज हट गए हैं तो बदला निकाला जा रहा है। नहीं नहीं, जब जदयू में थे उस समय भी उन्होंने गलत किया तो कार्रवाई हुई थी, इसलिए वो हमसे अलग हैं, ये कहने की बात है। और RJD को ऐसे लोग पसंद आते हैं, चाल चलित चेहरा इनका एक ही है, चाहे राजद हो या अनंत सिंह हो, एक ही तरह के लोग हैं। देखिए, एक तरीके का है चाल चरित्र। निखिल मंडल जी थे हमारे साथ, आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कब पटना लौटेंगे अनंत सिंह और कब सरेंडर बोलेंगे, उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।